गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज अंजलि एंड यू गाइज आर वाचिंग कैप्टन एनजे। आज के वीडियो में मैं आपके लिए रिव्यू करने वाली हूँ फ्रिज का, जो मैंने रिसेंटली फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा है। ये वर्लपूल ब्रांड का फ्रिज है और ये मुझे अराउंड 24,000 के आसपास पड़ा। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि गर्मियों के दिन स्टार्ट हो गए हैं तो बहुत लोग फ्रिज लेने के बारे में सोच रहे होंगे, बहुत लोग फ्रिज चेंज करने के बारे में सोच रहे होंगे, तो ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है। इसमें मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूंगी इस फ्रिज की। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सो ये ट्रिपल डोर फ्रिज है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। ये वर्लपूल प्रोटोन सीरीज का फ्रिज है, 5-स्टार फ्रिज है। 5-स्टार फ्रिज होने का फ़ायदा ये होता है कि ये कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जिससे बिल आपका जो है वो कम आता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं उसको गुड डिज़ाइन का 2013, 14 और 15 बैक टू बैक तीनों साल बेस्ट डिज़ाइन अवार्ड भी मिला है। और कंपनी उसको 10 साल का कंप्रेशर वारंटी दे रहा है और 1 ईयर प्रोडक्ट वारंटी दे रहा है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नो स्टेबलाइजेशन रिक्वायर्ड। इसका अलग से आपको स्टेबलाइजेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कभी भी पावर आती है या जाती है, कभी भी पावर में कोई फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो ये इजीली इस चीज़ को टैकल कर सकता है, आपके फ्रिज को कोई नुकसान नहीं होगा। और ये 6 सेंस एक्टिव फ्रेश टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है, जिससे आपके फ्रूट वेजिटेबल्स लंबे समय तक प्रोटेक्ट रहेंगे, जल्दी ख़राब नहीं होंगे, जल्दी इन्हें पकने नहीं देगा। मैं धीरे धीरे आपको सारे सेक्शंस का, जो फर्स्ट सेक्शन है वो है फ्रीज़र। फ्रीज़र के अंदर जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 रैक दे रखे हैं। ये जो रैक है वो मूवेबल है और इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये इजीली निकल सकते हैं, इसको आप वॉश कर सकते हैं। और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, लाइक अगर आपका स्पेस अगर यहाँ पर कम पड़ रहा है तो आप उसको निकाल कर एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा स्पेस यहाँ पर मिलेगा और आप ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर रख सकेंगे। इसका अलग से एक स्विच दे रखा है, जिससे आप कूल को कंट्रोल कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं। फ्रीज़र में एक अलग से स्पेस दे रखा है आइसक्रीम, स्पेसिफिकली आइसक्रीम के लिए दे रखा है, जहाँ पर आप आइसक्रीम रख सकते हैं। आइस क्यूब के लिए यहाँ पर एक यूनिक तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है, जैसे यहाँ पर जैसे आपका बर्फ जम जाता है और अगर आपको उसको यूज़ करना है, आप इजीली उसको इस तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं। देखा, जैसे कि जैसे ही ट्विस्ट किया इसके अंदर बर्फ आ गया और ये है आइस कलेक्टर, जिसके अंदर आपके बर्फ कलेक्ट हो जाएंगे और आप जब भी उसे यूज़ करना चाहें आप उसको निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अलग से टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर स्विच दे रखा है। सो ये था फर्स्ट कंपार्टमेंट फ्रीज़र के बारे में। सेकेंड कंपार्टमेंट है, जिसको हम मेन कंपार्टमेंट बोल सकते हैं, इसके अंदर भी अलग अलग रैक दे रखे हैं। यहाँ पर एक एक्सट्रे दे रखा है, ये भी काफ़ी मूवेबल है। अगर आप चाहें कि ज़्यादा स्पेस, अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा स्पेस चाहिए, अगर आपको लग रहा है स्पेस कम पड़ रहा है, तो आप उसको ईजिली इस तरह से निकाल कर उसको आराम से आप मूव कर सकते हैं, जिसको आपसे आपको इस वजह से ज़्यादा स्पेस मिलेगा। सेकेंड भी उसी तरह से है और यहाँ पर भी एक मूवेबल ट्रे आप लोगों आपको दे रखी है, जिसमें आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर आप बॉटल्स रख सकते हैं, जिनको सेक्शन को अलग अलग करने के लिए यहाँ पर एक प्लास्टिक का ये दे रखा है। मेन कंपार्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 4 सेक्शन है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और ये जो है टफ ग्लासेस से बना हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर आप हैवी आइटम्स भी रख सकते हैं, आपके फ्रिज को कुछ भी नहीं होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये टोटल यहाँ पर 3 सेक्शन है। यहाँ पर इसका अलग से सेक्शन दे रखा है, जहाँ पर आप मिल्क ब्रेड या चीज़ें रख सकते हैं। और इसका अलग से आपको कंट्रोल भी दे रखा है, जिससे आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। मेन कंपार्टमेंट के अंदर भी अलग से आपको एक कंट्रोलर दे रखा है, जिससे आप अपना कूल टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, आपको जिस तरह से भी रखना हो आप रख सकते हो। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक एयर बूस्टर आपको स्पेसिफिकली दे रखा है, जिससे सारे कंपार्टमेंट में इक्वली कूलिंग होगा और वो आपके चीज़ों को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखेगा। सो ये सेकेंड कंपार्टमेंट था, जिसमें आप सारी चीज़ें अच्छे से देख सकते हैं। और इसकी जो ट्रे हैं, इसके जो ग्लासेस हैं, इन सब की क्वालिटी काफ़ी 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 स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये आप इजीली इसके ऊपर कोई भी हेवी स्टफ रख सकते हैं, आपके फ्रिज को कुछ नहीं होगा। नाउ द थर्ड एंड लास्ट कंपार्टमेंट जो है वो है वेजिटेबल्स और फ्रूट के लिए। इसके अंदर भी स्पेसिफिकली आपको एक फ्रेश कीपर दिया गया है, जो 99.9% जर्म्स को लगने से बचाता है आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। इसकी अच्छी बात ये है कि अलग से देने का फ़ायदा ये है कि जो फ्रूट की या फिर जो वेजिटेबल्स की जो स्मेल होती है वो बाकी चीज़ों में मिक्स नहीं होती। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट हो गया हमारा फ्रीजर,
मेन कंपार्टमेंट जो होता है जिसमें हम नॉर्मल सारी चीज़ें हम जो रख सकते हैं, और जो लास्ट कंपार्टमेंट है वो स्पेसिफिकली फ्री फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए होगा, जिससे उनकी जो स्मेल है वो उन सब में मिक्स नहीं होगी और आप इजीली उनको यूज़ कर सकते हैं। एक बार मैं और आपको अच्छे से इस फ्रिज को दिखा देती हूँ, और ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, हाउ टू ऑर्गेनाइज अ फ्रिज। इस वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट।